अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 11, सच्चा बालक, स्वाध्याय पोथी कार्य। इससे पहले के तास में हम स्वाध्याय पोथी कार्य देख चुके हैं, जिसमें थोड़ा हमारा यानी कि कुछ प्रश्न बाकी है जो आज हम देखेंगे और समझेंगे, और फिर उसे सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए स्वाध्याय पोथी में लिखेंगे और इस इकाई को हम पूर्ण करेंगे। गाला स्वाध्याय पोथी हिंदी, कक्षा 5, द्वितीय सत्र। प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, लड़के की माँ ने अशर्फियाँ सदरी के अस्तर में क्यों सीधी थी? लड़के की माँ ने अशर्फियाँ सदरी के अस्तर में इसलिए सीधी थी कि किसी को उनका पता न चले, यानी कि किसी को पता न चले कि इस बच्चे के पास पैसे हैं। नंबर 2, लड़का क्यों झूठ नहीं बोला? लड़का झूठ नहीं बोला क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। नंबर 3, डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ? डाकू सरदार को इस बात का पछतावा हुआ कि वह बड़ा होने पर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलता। प्रश्न 4, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम हैं कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने लूट मार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। प्रवृत्तियों में है प्रश्न 2, कोष्टक में दिए गए शब्द और उनके समानार्थी शब्द ढूंढकर गोला कीजिए और नीचे जोड़े बनाकर लिखिए। यहाँ पे हमें कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? सरदार, सदरी, सदैव, बेटा, समाधि, वर्ष और आश्चर्य। इसका समानार्थी शब्द हमें यहाँ से ढूंढकर यहाँ लिखना है। तो देखिए, नंबर 1, सरदार। सरदार का समानार्थी शब्द है मुखिया। सदरी, सदरी का समानार्थी शब्द है जाकेट। सदैव, सदैव का समानार्थी शब्द हमेशा। वर्ष, वर्ष का समानार्थी शब्द साल। बेटा, बेटे का समानार्थी शब्द पुत्र। आश्चर्य, आश्चर्य का समानार्थी शब्द विस्मय। और आखिरी में समाधि, समाधि का समानार्थी शब्द मजा। ये सभी उत्तर यहीं पे है, आपको यहीं से ढूंढकर उसे गोला करना है। प्रश्न 3, कोष्टक में दिए गए शब्द और उनके विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर गोला कीजिए और नीचे जोड़े बनाकर लिखिए। माँ, बड़ा, सच, दूर, आज, नेक, प्रसिद्ध। तो इसके विरोधी यानी विलोम शब्द हम देखेंगे। माँ का विरोधी बाप। बड़ा, बड़े का विरोधी छोटा। सच, सच का विरोधी झूठ। दूर, दूर का विरोधी पास। आज, आज का विरोधी कल। नेक, नेक का विरोधी बेईमान। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का विरोधी अप्रसिद्ध। ये सभी उत्तर हमें यहीं पे देखने को मिलेंगे, जो आपको यहीं से देखकर उसके ऊपर गोला करना है। प्रश्न 4, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दैनिक हिंदी दैनिक पत्र का यहाँ हमें एक फकरा दिया गया है, उसके हिसाब से हमें यहाँ के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी। अब मैं ये पढ़ती हूँ, आप इसे अच्छे से ध्यान दीजिए। वडोदरा,
उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी कि गणेशोत्सव के लिए गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए लोगों ने शुरुआत कर दी है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी का प्रतिबंध ध्यान में रखकर शहर में राजमहल रोड स्थित ताड़फड़िया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया। यानी कि पर्यावरण को नुकसान होने के कारण जो पीओपी की मूर्ति बनाने पर प्रतिबंध रखा गया है, उस बात को ध्यान में रखकर यहाँ के लोगों ने मिट्टी की प्रतिमा बनाई है। ताड़फड़िया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। यानी ये इतनी बड़ी और वजनदार मूर्ति मिट्टी की बनाई जा रही है। इस युवक मंडल द्वारा 22 फुट ऊंची, कितनी ऊंची, 22 फुट ऊंची गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकार को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं। यानी कि यह बनाने के लिए कोलकाता से स्पेशल अलग से कलाकारों को बुलाया गया है, जो पिछले 1.5 माह यानी 1.5 महीने से इस कलाकृति को बनाने में जुटे हुए हैं। इस फकरे के अनुसार हमें यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके हमें उत्तर लिखने हैं। चलिए देखिए, प्रश्न एक, अखबार में छपे समाचार कब प्रसिद्ध हुए हैं। अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। नंबर दो, समाचार किसके बारे में है। समाचार वडोदरा में गणेशोत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 प्रश्न 5, अपने पुस्तकालय के पुस्तक लेकर उसमें गांधी जी के जीवन का कोई प्रेरक प्रसंग पढ़िए और नीचे लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे हम गांधी जी का एक प्रसंग देखते हैं। गांधी जी के प्रसंग, शिक्षक ने केटल शब्द की वर्तनी सुधारने का इशारा किया, फिर भी गांधी जी ने वर्तनी नहीं सुधारी और निरीक्षक को गलत वर्तनी वाला शब्द ही दिखाया। गांधी जी को एक बार मित्रों के कारण बीड़ी पीने की और चोरी करने की आदत हो गई। बाद में वे पिताजी को सच्ची बात बता देते हैं। हरिश्चंद्र राजा सत्य की खातिर परिजनों के साथ खुद भी बिक जाते हैं। युद्ध में प्राण संकट में आने पर भी युधिष्ठिर अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी घोषणा करने में झिझकते हैं। हमारा यह इकाई स्वाध्याय पोथी इकाई यहीं पे पूर्ण होता है। आपको भी सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कापी में हिंदी की स्वाध्याय पोथी में लिखना है। जो आपके पास स्वाध्याय पोथी नहीं है तो आपको यह पहले हिंदी की कापी में लिखना है, बाद में आप इसे स्वाध्याय पोथी में लिख लीजिए। धन्यवाद।